आध्यात्मिक स्तर पे लब्धोपशांति समाधि के स्तर पे जीव का जो चित्त है पूरा शुद्ध रहता है, प्योर कॉन्शियसनेस। तो हम सब का चित्त एक समय शुद्ध था, पर ये भौतिक दुनिया में आके अलग अलग आकर्षणों के वजह से, हमारे काम वासनाओं के वजह से है, हमारा जो चित्त है दूषित हो चुका है। और दूषित जगह पे दूषित चित्त के साथ कोई सुख प्राप्त नहीं करेगा। तो सुख शांति का एक ही मार्ग है, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे चित्त को साफ करना है, दर्पण को साफ करना है। तो ये भक्ति का मार्ग है, ये दर्पण को साफ करना। और जब हम ये दर्पण को साफ करेंगे तब हम ऑटोमेटिकली आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो दामोदर लीला शुरू होता है क्योंकि कृष्ण मक्खन चुराने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण को मक्खन पसंद है क्योंकि मक्खन सफ़ेद और मुलायम है। तो वैसे ही अगर हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में, हमारे हृदय में मक्खन चोर आए और हमारे हृदय के का जो भक्ति है उसको चुरा के लेके जाए, उसके लिए हमारे हृदय को, हमारे चित्त को हमको मक्खन की तरह मुलायम और सफ़ेद बनाना पड़ेगा। जब तक हमारा चित्त पत्थर की तरह काला रहेगा भगवान नहीं आएंगे, मक्खन चोर नहीं आएंगे, दुनिया का कली का चोर ही आएगा हमारे हृदय को चुराने के लिए। इसलिए कृष्ण चाहिए तो हृदय को शुद्ध बनाना है।